हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं मेरी एक्सरसाइज करके आ गई हूँ। और एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे मेरे मेमोरी कार्ड नहीं मिल रहा था, सो मैंने व्लॉग जल्दी, जब मैं सुबह जा रही थी तब मैंने स्टार्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जिनको सो रहे थे तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है और फिर नींद बिगड़े। इससे अच्छा तो मैं भाग जाती हूँ एक बार। तो मैं मेरी एक्सरसाइज करके आ गई हूँ और थक भी गई हूँ और पसीना भी हो रहा है। आते हम तुरंत एसी में बैठी हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अब ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। मेरा 8 बजे मेकअप है तो मुझे जाना है सैलून पे, तो आधा घंटा है मेरे पास। जो जो अभी काम कर सकती हूँ वो कर देती हूँ और फिक्स 8 बजे मुझे सैलून पहुँचना है। अभी जा रही हूँ मैं शॉप पे और थोड़ा बहुत मेरे को सामान ले जाना है, वो मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है तो साथ में ही ले जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ शॉप पे और शॉप पे मैं सारा अरेंजमेंट कर देती हूँ, जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए वो। और ज्योति को मैंने बुलाया नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत है थोड़ी ख़राब, तो सिंपल ही मेकअप है तो मैं ही हैंडल कर लूँगी। तो अभी चिकू ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं तो ठीक है, चलो जाओ, बाय। ओके, मेकअप हो गया है डन। अभी जस्ट 9:30 हो रही हैं, अब मैं जाती हूँ घर पे और सारा बहुत तो मैंने यानी समेट दिया है, क्योंकि ज्योति की भी तबीयत ख़राब है, सो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा यानी काम नहीं देना चाहती हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब है उसकी, तो सारा ये समेट दिया, सिर्फ अंदर रखना ही है, वो तो ये रख देगी। और अब चलती हूँ सीधा घर। अभी आ गई हूँ घर और घर पे आते ही इम्मी मिल गई है मम्मी के रूम में, और थोड़ा नाश्ते में पोहा खा रही हूँ और दूध पी लूँगी। तो पोहा मेरा फिनिश करती हूँ फिर दूध पीऊँगी। मैं और अभी इम्मी दोनों जने बैठ के दूध पी रहे हैं और थोड़ा दूध इम्मी को भी दिया है। और शाह चाय चाय बोल के दूध पिला रही हूँ। रुको रुको, मेरी उंगली तो निकालने दो। गीले से, हाँ गीले से, गिलाना मत। हाँ यम यम कैसे होता है दिखा दो। यम ऐसे ऐसे मिट्टू कदा शुभ, इतना बोल बोल मत कर लो, शिल चल जाता है। ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही है हिम्मी मेरे साथ में। अभी हम दोनों ने मिलके पोहे खाए। पहले गिर जाओगी बेचो। हाँ ऐसे तू हिम्मी है ना, ऐसे ऐसे घुटनों पे मत बैठ। हाँ और ले लो, फिर दूध पी लो, चाय पी लो। अभी हम दोनों कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश। बाय 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 कर दो, इधर बाय बाय कर दो, बाय बाय बाबा। तो हम दोनों दूध पी लेते हैं। आईशी कैसी है? या बोलो ना एक बार। या लुको ये अंदर। हाँ कैसी है? खाना बना ना आशु। ऐसी कर लो। एक बार यू करो दे रही हूँ। कौन है? चाचा थोड़ी है, दादी आई है। दादी
नो अभी थोड़ी सी हिम्मी को आइसक्रीम खिलाई है और फिर हम खाना बनाएंगे। खाना खाना बोलो, खाना खाना, खाना खाना जी जी। हिम्मी तू गिल जाओगी। हिम्मू बैठी कैसे हो आप? आइसक्रीम चलो अंदर किचन में। आशो आशो आशु, हाँ ओ ये मैडम ने माँ करते पहले पुगी के आइसक्रीम कैसी लगती है? यहाँ कैसी लगती है? कैसी लगती है आइसक्रीम? वाह हाई फाइव, हाई फाइव। नो बेटा नहीं डरते, सीटी तो है, कुछ नहीं होता है। ब्रेव बच्चा, ब्रेव। ये ऐसे कर दो। नो ऐसे डरते थोड़ी। हाई फाइव, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। हिमी हिमी नो। बस मैंने अभी नहा लिया है और अब मैं मेरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने वाली हूँ। तो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ विटामिन बी का फेस क्लेंज़र। मैंने मेरे बेडरूम में ही रख रखा है ये, क्योंकि ये मैं ताकि मेरे क्लीन हैंड से अच्छे से मसाज करते हुए फेस पर और लेके यानी जाके वॉश कर दूँ यूँ करके। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम थोड़ा सा आलस खाते हैं फेस वॉश यूज़ करने में, और ये थोड़ा फेस क्लेंज़र है तो इसलिए इसका यूज़ भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है इसको यूज़। और इसको यूज़ करना पड़ता है 1-2 ड्रॉप्स ले लेना पड़ता है। एंड अभी मेरे हैंड से वो ड्राई हैं। ऐसे भी फेस पर मसाज करनी है जब तक कि अंदर तक पूरा पेनिट्रेट ना हो जाए। तो वह हमारे फेस को डीप क्लेंस करेगा, क्लीन सॉरी। नेक एरिया को हमको कभी भी नहीं छोड़ना है, ना ही मेकअप में छोड़ना है, ना ही फेस वॉश में। अभी आप देख रहे होंगे मेरे फेस पर एकदम क्लीन हो गया है, फेस वॉश गायब हो गया है। अब मैं इसको पानी से जाके थोड़ा सा मसाज करते हुए वॉश कर दूँगी एंड देन आके मेरा नेक्स्ट जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट करती हूँ। फेस मैं वॉश करके आ गई हूँ तो हल्का सा रेड लग रहा होगा क्योंकि मसाज करते हुए वॉश किया है। और फेस क्लीन करने के लिए अपना एक टॉवल अलग ही रखे। मैंने भी मेरा टॉवल अलग से निकाल के रखा है जो कि है बॉम्बे शेविंग। और फेस को मेरा कैमरा चला जाता अभी। फेस को इसी तरीके से क्लीन करें, लाइटली डैब, नॉट इस टाइप से, ओनली फॉर डैब। अभी कितने जने ऐसे भी बोलेंगे इतना टाइम किसको है? टाइम किसी को भी नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं रहता है टाइम, पर खुद के स्किन केयर के लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर कुछ समय खुद को देना काफ़ी ज़रूरी है। ये खुद को समय नहीं दिया है ना, इसलिए ये एक्नेस वगैरह निकल रहा है। फेस अच्छे से ड्राई हो गया है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेस टोनर जो कि विटामिन बी का ही है। सॉरी इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, और इसको इस टाइप से लगाना है पूरे फेस पर हमारे लग जाए। कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसे शेक कर लें और फेस वॉश को भी पहले शेक करके फिर ही यूज़ करें। पूरे फेस पे लग गया है, अब इसको पूरा ड्राई होने देंगे। फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये विटामिन बी की सीरम। फेस सीरम इज़ द मस्ट, क्योंकि फेस सीरम जो है वो हमारे फेस को बैलेंस रखती है, हमारे फेस के पीएच लेवल को बैलेंस रखती है, क्योंकि पीएच लेवल भी बिगड़ने से हमारे फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कभी भी सीरम को हैंड्स में लेके यूज़ ना करें, डायरेक्ट फेस पर ही ड्रॉप डालें। इसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड होता है, और इसको फिंगर टिप से ही अच्छे से मसाज करके लगाएं।
ये सीरम नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, ये एकदम ड्राई कर देगी हैंड को। ड्राई तो क्या कर देगी, बिल्कुल लाइट वेटेड है और इसको आप जैसे मसाज करोगे हल्के हल्के दाने भी रहेंगे, पर वो दाने ख़त्म भी हो जाते हैं। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब आ जाती है फेस क्रीम की बारी, मस्ट। ये फर्स्ट फेस क्रीम है जो कि मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ, भाई फोकस हो जा। विटामिन बी का बिल्कुल कम अमाउंट में, थोड़े से नेल्स बड़े हैं इसलिए मैंने नेल्स रिवर्स यूज़ किया है, इस टाइप से एंड में लेके इस पर डायरेक्ट ऐसे से अप्लाई करना है एंड इसको भी। स्किन केयर विटामिन बी का कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाती है समर्स में और विंटर्स में, हर किसी वेदर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन। अभी हालांकि समर्स में अब तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबको लगता है समर्स में ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं विंटर्स में भी रहता है। तो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर SPF 60 ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की ही है ये, और ये ऑल स्किन टाइप्स है और ये डुअल प्रोटेक्टर है क्योंकि आउटडोर में मेरा ज़्यादा काम रहता है, शॉप से घर इसके बाद आगे वाली शॉप पर भी बैठने का काम पड़ता है, तो आउटडोर और इंडोर दोनों ही ज़्यादा काम करती है ये, और डुअल प्रोटेक्टर है और ये एक्ने और ऑयली स्किन के लिए ही है स्पेशली, इसके ऊपर मैंशनड है एक्ने और ऑयली स्किन। और स्किन केयर कभी भी आप यूज़ करें तो एक ही ब्रांड का पूरा यूज़ करें, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स का यूज़ करने पे पता नहीं चलेगा आपको कौन सी ब्रांड इफ़ेक्ट कर रही है या फिर कौन सी ब्रांड आपको सूट नहीं कर रही है। ये मैट फिनिश है, इससे हमारा फेस है वो ग्लोसी नहीं दिखने वाला है, पर इसका जो बाद में रखे ग्लो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। पास में से थोड़ा सा भी अजीब लग रहा होगा पर आपको नोटिस भी हो रहा है कि मेरा फेस अभी ऐसा है, और कुछ दिनों के बाद आप खुद ही रिजल्ट देखोगे, ब्रांड गारंटी। अब मैं बिंदी मांग और लिपस्टिक तो मैं शॉप पे जाके लगाती हूँ, बाल है वो बाद में बनाऊँगी, अभी एक बार खाना बना लेती हूँ। मसूर की दाल है वो बॉयल कर दी है मम्मी ने, और फ्राई भी मम्मी ही कर रहे हैं क्योंकि मैं तो साफ़ सफाई के लिए बता रही थी भाई जी को कैसे क्या करना है, सारी कटिंग वगैरह सब कंप्लीट करके आ गई थी तो मम्मी को वह हेल्प हो गई इतनी सी। और अभी आटा तो गूंथ के आई हूँ, रोटी बना देती हूँ और फिर चलते हैं शॉप पे। ये हमारा खाना खा लेते हैं और अपनी बैटरी कर लेते हैं फुल, और कैमरे की बैटरी हो गई लो तो बैटरी चेंज कर देते हैं। अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे, मेरा कंघा घूम गया इसलिए मैंने बात बनाई नहीं, शॉप पे जाके ही बनाऊँगी। चिको चले गए थोड़ी देर, उनको नैप लेनी थी तो नैप लेके चले गए। भैर पार्लर में सलून में आने के बाद पूरा ये काम ही चल रहा है नॉन स्टॉप, और साथ ही साथ लाइटें भी चली गई है, इतनी गर्मी लग रही है, स्वेट आप देख ही सकते हो। और अभी मम्मी पापा भी आने वाले हैं, मम्मी पापा को कुछ बुक करवाना है तो मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं, पता नहीं अब कब निकल गए, क्या है फ़ोन आया था। ये अभी सारा क्लीन करेंगे क्योंकि वैक्यूम तो चलेगा नहीं क्योंकि लाइटें हैं नहीं और इन्वर्टर पे इतना लोड ले नहीं सकते। मम्मी पापा आए थे और सारा जो भी बुक करना था वो हो गया, साफ़े वगैरह बुक करने थे और हलवाई से भी बात करनी थी वो भी हो गई। ये मिडल पॉइंट था यहाँ पर सबके काम हो गए, अब चलते हैं घर पर। मैंने फ़ोन ले लिया है मेरा और चिकू ने भी घर के लिए पार्सल ले लिया है, पापा के लिए सोप्स लेने थे सो ले लिए ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के। हिमो प्यास लग ली बेटा, घर पे आते में ही हिमी साथ ही साथ क्या पीना है, भू पीना गुबुलू गुबुलू, इसको कब से हिचकी आ रही है पर बोल नहीं पा रही है मुझे पानी पीना है, अभी इसको पानी दिया है और फिर हिमी को हिचकी बंद हो जाएगी, ये हो गई। ओ कपड़े भी बिक गए, आशु शा बू बू। शॉप से जैसे ही घर पे आई और चिकू ने पापा ने सबने पहले से ही प्लान करके रखा था कि आज हम डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे यानी पार्टी करेंगे, तो आज पार्टी हो गई है फिनिश और बस यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। हिम्मी आई है, हिम्मी के साथ करेंगे मस्ती और
तो बस यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में. ओके बाय.